नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम विद्या निवास मिश्र जी का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद्या निवास मिश्र जी का संपूर्ण परिचय। उनका जन्म 14 जनवरी 1926 मकर संक्रांति के दिन पकड़िया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 14 फरवरी 2005 में हुई है। मृत्यु के समय उनकी उम्र 80 साल की थी और मृत्यु इनकी सड़क दुर्घटना में हुई है। अन्य नाम में ब्रह्मानंद ये स्वयं को कहते थे। बहुत सारी रचनाएं इसी नाम से उन्होंने लिखी है और छद्म नाम भी उनका रहा है। माता पिता श्रीमती गौरी देवी इनकी माता का नाम एवं पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र ये इनके पिता का नाम है। कुल पंक्ति पावन ब्राह्मण कुल के ये रहे हैं। भाई इनको तीन थे, डॉक्टर महेश्वर मिश्र, डॉक्टर यज्ञेश्वर मिश्र और डॉक्टर दयानिधि मिश्र। पत्नी का नाम स्वर्गवासी श्रीमती राधिका देवी। पुत्री इनकी श्रीमती मंजुला शुक्ला इनकी पुत्री का नाम है और इनके दामाद डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल है। शिक्षा MA PhD, जिसका शीर्षक या PhD का जो थेसिस था उसका शीर्षक था डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि। गोरखपुर से इन्होंने PhD की है। भाषा, इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित था, जिसमें हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, ओल्ड पर्शियन, उर्दू, बंगला, मैथिली और भोजपुरी आदि भाषाओं का ज्ञान इनको रहा है। विद्यानिवास मिश्र को इसी कारण पंडित भी कहा जाता है। पंडित की उपाधि इनको मिली थी। उपाधि में पाणिनि व्याकरण डॉक्टरेट 1960-61 के बीच में ये उनको उपाधि मिली थी। संपादक नवभारत टाइम्स, इन्होंने बहुत सारी किताबों का संपादन किया है जिसका विवरण हम मैं आगे दे दूंगी। विदेश भ्रमण में बहुत सारे देशों की ये यात्रा कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत, रोमानिया, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, स्पेन, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सुरीनाम, हॉलैंड और बुल्गारिया आदि देशों का इन्होंने यात्रा की है। सम्मान एवं पुरस्कारों में 1972 में राजा रामपाल सिंह स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा ये उनको सम्मान मिला है। 1988 में पद्मश्री, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान समझा जाता है, पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। 1990 में रत्न सदस्यता उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी का सर्वोच्च सम्मान। 1990 में मृति देवी पुरस्कार। 1991 में हिंदी गरिमा सम्मान, जो गुजरात हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद। 1992 में विश्व भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश शासन का संस्कृत का सर्वोच्च सम्मान। 1992 में मारवाड़ी सम्मेलन का पुरस्कार, मुंबई का साहित्य का यह सर्वोच्च सम्मान था। 1993 में आनंद गोपाल शेवड़े स्मृति पुरस्कार। 1994 में शंकर सम्मान, जो बिड़ला फाउंडेशन द्वारा परिवर्तित सम्मान। 1995 में सम्मानित ये अधिसदस्य या फेलो रह चुके हैं हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के। 1996 में 72 सदस्यता सम्मान साहित्य अकादमी। भारत भारती सम्मान जो 1997 में, 99 में बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं, जिसमें पद्म भूषण, महाराष्ट्र भारती, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सम्मान पत्र भी मिला है, जो पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनिदाद में। 1999 में मदन मोहन मालवीय सम्मान, जो देवनागरी शासकीय प्रयोग शताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश से लखनऊ में। 2000 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली का सम्मान। 2001 में मंगला प्रसाद पारितोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का सर्वोच्च सम्मान ये इनको मिला है। 2001 में फिर से मानद महामहोपाध्याय उपाधि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा। 2002 में मानद प्रोफेसर के रूप में आंध्र विश्वविद्यालय
हैदराबाद द्वारा सम्मानित 2003 में मानद डीलिट की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से इनको ये प्राप्त हुई है। इस तरह ये कुछ उनके सम्मान थे। अब उनके कार्य को हम देखेंगे। कार्य में 1947 से 48 के बीच में सह संपादक महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के साथ इन्होंने कार्य किया। 1948 से 50 के बीच संपादक आकाशवाणी के रहे हैं इलाहाबाद के। 1952 से 56 के बीच सूचना अधिकारी एवं प्रभारी पुरातत्व एवं लोक कलाएं विंध्य प्रदेश शासन रीवा। 1956 से 57 के बीच सहायक निदेशक के रूप में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में इन्होंने कार्य किया है। 1957 और 68 के बीच में सहायक प्रोफेसर एवं उप प्राचार्य संस्कृत विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में इन्होंने कार्य किया। 1960 से 61 के बीच में मतलब एक साल अतिथि प्रोफेसर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली अमेरिका में। फिर 1967 से 68 के बीच में अतिथि प्रोफेसर वाशिंगटन विश्वविद्यालय सिएटल अमेरिका में भी इन्होंने कार्य किया। 1968 से 76 के बीच प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में इन्होंने कार्य किया। 1976 से 85 के बीच निदेशक के रूप में उन्होंने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में कार्य किया। 1985 से 86 के बीच अतिथि प्रोफेसर के रूप में संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में कार्य किया। 1986 से 89 के बीच कुलपति रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। 1989 से 90 के बीच मानद सलाहकार के रूप में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस सी डेक पुणे में इन्होंने कार्य किया। 1990 से 92 के बीच कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में इन्होंने कार्य किया। 1992 से 94 के बीच में प्रधान संपादक के रूप में नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में इन्होंने कार्य किया है। आगे उन्होंने 1996 से 2005 तक मानद सलाहकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी में कार्य किया। 1998 से 2005 के बीच कुलाधिपति हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड में। 2001 से 2003 तक सदस्य प्रसार भारती बोर्ड भारत सरकार। 2001 से 2005 में मानद सलाहकार वेद पुराण शोध संस्थान नैमिषारण्य सीतापुर में इन्होंने कार्य किया। 2003 से 2005 के बीच सदस्य राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ये रह चुके हैं। इस तरह ये इनके कार्य का लेखा जोखा है। इनकी कुछ रचनाएं इनका जो कृति तो है बहुत ही है, जिसमें प्रथमतः हम इनके निबंध देखेंगे। गद्य साहित्य में इनका योगदान बहुत ही बड़ा है, जिसमें 1953 में चितवन की चाह, 1955 में हल्दी धूप, 1956 में कदम की फूली डाल, 1957 में तुम चंदन हम पानी, 1963 में आंगन का पंछी और बंजारा मन, 1966 में मैंने सील पहुंचाई, 1972 में दो रचनाएं आती है इनकी, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, जिसको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला, और दूसरी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह जो निबंध है नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है, वैसे ही इस नाम से निबंध संग्रह भी इनका है जो काफी प्रसिद्ध है। 1976 में परंपरा बंधन नहीं, 1976 में कटीले तारों के आर पार, 1980 कौन तू फुलवा बिनन हारी, 1981 भ्रमरानंद के पत्र, 1981 तमाल के झरोके से, 1981 में फिर से अस्मिता के लिए, 1982 में संचारिणी, 1984 में अंगद की नियति, 1985 में गांव का मन, 1985 में फिर से अग्निरथ, 1986 में मेरे निबंध मेरे पसंद के मेरी पसंद के, 1988 नैरत्य और चुनौती, 1989 शेफाली झर रही है, 1991 में सोहम, 1991 में फिर से जीवन अनभ्य है जीवन सौभाग्य है, जो मारवाड़ी पुस्तकालय मुंबई के साहित्य के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत ये उनका निबंध संग्रह है। 1992 में देश धर्म और साहित्य, 1993 में नदी नारी और संस्कृति, 1994 में दो किताबें आती हैं इनकी निबंध संग्रह पर, जिसमें फागुन दुई दुना और पीपल के बहाने, 1995 में दो शीर्ष की याद आई और भारतीय चिंतन धारा, 1998 में कटिले तारों के आर पार,
1998 में अस्मिता के लिए, 2000 में व्यक्ति व्यंजना, 2002 में भ्रमरानंद का पचड़ा, 2001 में दो किताबें आती हैं, गिर रहा आज पानी और स्वरूप विमर्श, 2002 में लगभग तीन किताबें आती हैं, निबंध संग्रह की जसुदा के नंदन, रथ यात्रा, गांधी का करुण रस, और 2004 में दो रचनाएं आती हैं या दो किताबें आती हैं, थोड़ी सी जगह रहने दे जो घुसपैठियों पर आधारित है, 2004 में वाद्य वृंद, 2006 में रेमन पानी राखिए जल पर आधारित, 2007 में दो किताबें आती है, कितने मोर्चे और साहित्य के सरोकार, ये इनके निबंध संग्रह है। यात्रा वृतांत में 1996 में यात्राओं की यात्रा, 1998 में सपने कहा गए जो स्वाधीनता संग्राम पर आधारित है, संस्मरण इनका एक है चिड़िया रैन बसेरा जो 2002 में आता है, आलोचनात्मक कुछ जो इनकी किताबें मिलती है जिसमें पहली है 1966 में साहित्य की चेतना, 1981 में निज सुख मुकुर, 1983 में साहित्य का प्रयोजन, 1985 में लागो रंगहारी श्याम रसायन, 1985 में महाभारत का काव्यार्थ मूर्ति देवी पुरस्कार एवं शंकर सम्मान से ये रचना पुरस्कृत है, 1989 में भाव पुरुष श्री कृष्ण, 1992 में कालिदास से साक्षात्कार, 1994 में बूंद मिले सागर में, 1994 में सहृदय, 1996 में साहित्य का खुला आकाश, फिर से 1996 में तंत्र कला और आस्वाद, 1999 में मध्ययुगीन कविता को पढ़ना और पढ़ाना, 2000 में इनकी दो किताबें आती हैं, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन और लोक और लोक का स्वर, 2001 में रामायण का काव्य मर्म, 2003 में दो रचनाएं आती हैं जिसमें राग बोध और रस और अनछुए बिंदु, 2008 में तीन रचनाएं आती हैं, अज्ञेय वन का छंद, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, और 2008 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन एसेटिक्स, ये इनकी जो आलोचनात्मक या साहित्यिक रचनाएं हैं। भाषा चिंतन में 1970 में हिंदी की शब्द संपदा, 1973 में रीति विज्ञान, 1978 में भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, 2001 में हिंदी और हम, और 1988 में संप्रेषण और संप्रेषणात्मक व्याकरण, ये इनकी भाषा चिंतन परख कुछ किताबें हैं। संस्कृति और संवाद नामक या इस विषय को लेकर आने वाली कुछ किताबें हैं जिसमें 1979 में हिंदी धर्म जीवन में सनातन की खोज, 1984 में हिंदू धर्म दीपिका, 1989 में भारतीय परंपरा, 1992 में द इंडियन कल्चर माइंड, 1994 में भारतीयता की पहचान, 1995 में भारतीय चिंतन धारा, 1998 में अध्यापन और भारतीय दृष्टि, 2003 में साल भर पर्व जिसका संपादक विद्या बिंदु सिंह ने किया, 2006 में भारतीय संस्कृति के आधार, 2009 में द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन माइंड जिसमें स्टडीज इन इंडियन थॉट एंड कल्चर, 2015 में क्या पूरब क्या पश्चिम जिसका संपादन दयानिधि मिश्र ने किया था, अनुवाद पर कुछ इन्होंने कार्य किए हैं जिसमें कुछ व्याख्याएं भी इन्होंने की हैं, 1982 में अमरुक शतक, 2000 में राधा माधव रंगरंगी जो गीत गोविंद की व्याख्या है, 2006 में गीत गोविंदम नामक इन्होंने एक किताब लिखी, अनुवादित में अगली इनकी जो किताब है मॉडर्न हिंदी पोइट्री एंड एंथोलॉजी संपादित, इंडियन पोइटिक ट्रेडिशन संपादित है, संपादन कार्य में हिंदी काव्य इन्होंने जो संपादन किया है जिसमें 1955 में राष्ट्रीय कविताएं, 1967 में आज के लोकप्रिय कवि अज्ञेय, 1976 में रामचरितमानस, 1978 में नई कविता की मुक्तधारा, 1981 में सत्यनारायण कविरत्न ग्रंथावली, 1982 में सुर वाङ्मय सूची, 1983 में देव की दीप शिखा, 1984 में ब्रज के लोक मंगल का संसार, 1987 में तुलसी मंजरी, 1988 में रस खान ग्रंथावली, 1991 में कबीर वचनामृत, 1992 में रहीम ग्रंथावली, 1995 में अज्ञेय काव्य स्तबक, 1993 में राहुल चैनिका, 1999 में वाचिक कविता भोजपुरी, 1999 में सूर सरसी,
1999 में फिर से द्विजदेव ग्रंथावली, 2002 में हिंदी की जनपदीय कविता और 2005 में वाचिक कविता अवधि, इस तरह कुछ कविता परक संपादक ग्रंथ इन्होंने निकाले हैं। निबंध में संपादक परक जो निबंध है, रेखाचित्र है या आलोचना है, जिसमें है 1951 में प्रेमचंद के उपन्यासों की भूमिका, 1968 में स्तबक, 1976 में आधुनिक निबंधावली, 1983 में श्याम सुंदर दास के निबंध, 1987 में गति और रेखा, 1992 में क्रिएटिविटी एंड इन इन्वायरमेंट, 1997 में साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, 1999 में संविधान का मसौदा। संपादन कोश या भाषा चिंतन पर कुछ संपादकीय इनकी किताबें हैं, जिसमें है 1949 में शासन शब्दकोश, 1950 में भाषा विज्ञान शब्दकोश, 1950 में फिर से दर्शन शास्त्रीय पारिभाषिक कोश, 1964 में भारतीय दर्शन का विश्वकोश, 1982 में दो किताबें आती है जो भाषा चिंतन पर आधारित है और शब्दकोश है, प्रोडो का शब्द संसार, भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन, 1983 में हिंदी प्रयोग वार्षिकी कोश, 1985 में साहित्यिक ब्रजभाषा कोश, इसमें भाग एक, भाग दो, भाग थ्री है, यानी भाग तीन भागों में ये किताब प्रकाशित है। 1998 में पुराण कथा कोश नामक कुछ भाषा कोश और भाषा चिंतन पर के ग्रंथ इनके मिलते हैं। संपादित जो संस्कृत वाङ्मय पर या विषय पर कुछ किताबें इनकी मिलती है, जिसमें 1976 में स्टडीज इन वैदिक इंडो आर्यन रिलीजन और 1976 में श्री भगवद गीता, 1988 में व्याकरण भूषण, 1992 साहित्य रत्न कोशे वेदाख्यान कल्पद्रुम, 1992 महाभारत का तात्पर्य प्रकाश और फिर से महाभारत का निर्णय प्रकाश, 2000 में प्रिस्क्रिप्शन इन वेदास एंड आनंद के कुमार स्वामी, जो वेद पर लिखी गई किताब है, तो वेद पर आधारित ये आनंद के कुमार स्वामी किस जो लिखी गई किताब इन्होंने संपादित की है 2002 में, परशुराम कल्पसूत्रम नामक ये इनकी किताब मिलती है। संपादन अभिनंदन स्मृति ग्रंथ और जीवन चरित्र कुछ इस विषय पर किताबें आती है, जिसमें 1978 में हिंदी सेवा की संकल्पना, 1982 में नारायण दत्त तिवारी संघर्ष के सोपान, 1985 में वेदार्थ मंजरी, 1987 में फॉलो द नोट्स ऑफ फ्लूट, 1990 में संस्कृत साधना, 1992 में हिंदी में जीवन, 1993 में सारस्वत विमर्श, जो विश्वेश्वर से महाकालेश्वर से राममूर्ति त्रिपाठी व्यक्तित्व और कृतित्व, 1993 में अंतरंग, 1995 देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व, 2003 में श्री स्वामी स्मृति ग्रंथ और 2004 में शेमुषी पद्मभूषण बलदेव उपाध्याय जन्मशती ग्रंथ, ये कुछ स्मृति ग्रंथ जीवन चरित्र इनके मिलते हैं। इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिसमें 1954 से 56 के बीच विंध्य भूमि विंध्य प्रदेश शासन की मुख्य पत्रिका रही है, 1952 में सम्मेलन पत्रिका जो भारतेंदु शती अंक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की पत्रिका, 1977 से 85 के बीच भारतीय साहित्य आगरा विश्वविद्यालय की साहित्यिक पत्रिका, 1977 से 87 के बीच संस्कृत प्रतिभा नामक पत्रिका निकाली जो साहित्य अकादमी की संस्कृत की पत्रिका, 1981 से 82 के बीच अभिरुचि नामक पत्रिका जो लेखक और पाठक के बीच संवाद की त्रैमासिक पत्रिका थी, 1986 में नांदी साहित्यिक पत्रिका, 1988 से 2005 तक गरुत्मान भारतीय भाषाओं के अनुवाद की पत्रिका इन्होंने निकाली या इसका संपादन किया, 1992 से 94 के बीच नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र, 1995 में विचार मीमांसा पाक्षिक पत्रिका, 1995 से 2005 के बीच साहित्य अमृत हिंदी की साहित्यिक पत्रिका, 2002 से 2005 तक काशनी कलाप लोक संग्रह संबंधित मासिक पत्रिका नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किया है। लगभग 11 पत्रिकाओं का संपादन कार्य इन्होंने किया है।
अब इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन्होंने भागीदारी की, जिसमें 1962 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय भाषाविद सम्मेलन कैम्ब्रिज में हुआ था, इसमें इन्होंने सहभाग लिया। 1964 में 26वां अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या सम्मेलन फिलेडेपिया में हुआ था। 1967 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय भाषाविद सम्मेलन बुडापेस्ट में हुआ था, तब ये गए थे। 1983 में वार्षिक अधिवेशन कैनेडियन एशियन स्टडीज एसोसिएशन वैंकूवर कनाडा, 1993 में चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस, 1993 में प्रथम विश्व संस्कृत सम्मेलन दिल्ली, 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेदांत मियामी विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, 1996 में पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनिदाद, 1998 में तुलसी पंचशती समारोह सूरीनाम, 1999 में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन मॉरिशस, 1999 में षष्ठ विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन, 2003 में सप्तम विश्व हिंदी सम्मेलन पारामारिबो आदि कई जगहों पर सम्मेलनों में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी ली हुई है। अब इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी यह है कि रस पुरुष के ये रूप में ये लेखक जाने जाते हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यरत होते हुए एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। ललित निबंध की परंपरा में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी कुबेरनाथ राय के साथ ये मिलकर एक त्रयी रचते थे, अर्थात मौलिक व्यंग्यात्मक ललित निबंधकार के रूप में, और खासकर हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं में और कथेतर गद्य विधाओं में इनका बहुमूल्य योगदान है। ऐसे भाषा पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का ये संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगी, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।